Hey guys, welcome back. तो आज गाइज हमें दो स्मार्टफोन्स की ड्यूरेबिलिटी टेस्ट करनी है Infinix Hot 9 Pro. आपने अगर रिव्यू चेक किया होगा तो आपने देखा होगा दोनों ही फोन ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो स्टार्ट करने से पहले उन सभी लोगों के लिए जो क्विजेज एंड कॉन्टेस्ट स्पेशली ऑनलाइन क्विजेज कॉन्टेस्ट में काफ़ी पार्टिसिपेट करते हैं और काफ़ी प्राइजेस जीत चुके हैं या जीतना चाहते हैं, तो एक छोटा सा कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज है Infinix मोबाइल की तरफ से। एंड ये आज से स्टार्ट है, 29 से स्टार्ट था और ये 2 जून रात की 12 बजे तक है। आपको बस क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पे क्लिक करिए, वहाँ पे जाइए, रजिस्टर करिए और वहाँ पे आपको मेरे Infinix Hot 9 और Hot 9 Pro का रिव्यू वीडियो मिल जाएगा। आपको उस वीडियो को देखना है और ये पता लगाने की कोशिश करना है कि मैंने Hot 9 जो शब्द है कितनी बार उसका मैंने प्रयोग किया है। अगर मैंने Hot 9 Pro बोला है या Hot 9 बोला है, दोनों ही ऑलमोस्ट सेम है। तो वीडियो देखिए और उसका आंसर दीजिए और आपको बहुत सारे एक्साइटिंग प्राइजेस मिल सकते हैं और उनमें से एक प्राइस Hot 9 Hot 9 Pro स्मार्टफोन्स भी है। तो गुड लक टू ऑल ऑफ यू गाइस। चलिए स्टार्ट करते हैं इन फोन्स की ड्यूरेबिलिटी से। तो जैसे मैंने आपको बताया दोनों ही फोन ऑलमोस्ट सिमिलर हैं कंस्ट्रक्शन को लेके, बस एक ही डिफरेंस दोनों फोन में है कि Hot 9 Pro में जो कैमरा सेंसर है वो 48 मेगापिक्सल का है, इसीलिए यहाँ पे आप देखेंगे कैमरा बम थोड़ा सा ज़्यादा निकला हुआ है जो यहाँ पे है, क्योंकि 48 मेगापिक्सल थोड़ा सा बड़ा कैमरा होता है। तो मैं स्क्रैच टेस्ट Hot 9 Pro पे परफॉर्म करता हूँ। तो आपके पास Hot 9 या Hot 9 Pro है कोई भी है तो दोनों ही फोन की ड्यूरेबिलिटी एंड कंस्ट्रक्शन एक्जैक्टली सिमिलर होगी। ओके गाइस, तो ये अंडर 10K फोन है, 8499 का है, तो ऑब्वियसली आपको ना ही मेटल मिलेगा ना ही ग्लास मिलेगा, आपको पॉलीकार्बोनेट का फ्रेम मिलेगा। यूनिबॉडी नहीं है, एक छोटा सा फ्रेम यहाँ पे अलग से दिया गया है। S5 का आप टियर ऑन देख लीजिएगा, एक्जैक्टली वैसा ही कंस्ट्रक्शन है। तो पॉइंट ये है, अगर आप फोन में केस नहीं यूज कर सकते हैं तो जो भी डस्ट एंड होते हैं कुछ शार्प ऑब्जेक्ट, उससे आपके फोन में बहुत ही आसानी से स्क्रैचेस लग सकते हैं। तो दिखने में तो काफी सुंदर होता है लेकिन कुछ दिन जैसे ही गुजरते हैं तो फोन में अगली मार्क्स ऐसे पड़ जाते हैं। Infinix ब्रांडिंग भी बाहर से लगाई गई है, ये भी समय के साथ शार्प ऑब्जेक्ट से कांटेक्ट में आते ही हट सकती है। एवरीवेयर आपको सिमिलर मिलेगा और यहाँ पे भी प्रॉब्लम ये होती है कि जैसे ये पेंट हट जाता है तो अंदर से एक ब्लैक कलर का प्लास्टिक दिखता है, काफी अगली लगता है। सिम ट्रे का कंस्ट्रक्शन कैसा है वो भी चेक करना जरूरी है। आपने गलती से अगर एक्सीडेंटली इसको उसी डायरेक्शन से लगा दिया तो ये ब्रेक हो जाता है। एंड एक्सपेक्टेड डिजाइन है, ये ड्यूअल डिजाइन में है, जैसे कि अंदर मेटल होता है और बाहर ये प्लास्टिक की एक लेयर लगाई जाती है। और बेस्ट पार्ट यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि सिम ट्रे में एक गैस्केट की प्रोटेक्शन लगाई गई, और अगर आप रॉन्ग डायरेक्शन से लगा देते हैं तो इट्सेल्फ तो कुछ मेजर प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। अभी तक सिम ट्रे डैमेज नहीं हुआ है तो ये तो वर्स्ट कंडीशन में होगा, लेकिन फिर भी मेजर माइनर एक्सीडेंट्स होते रहते हैं। ओके, ये क्या सिम ट्रे एंड बटन्स देखते हैं। आज तक Infinix फोन के बटन बाहर तो नहीं है, अगर आपने पावर बटन का डिज़ाइन देखा होगा तो ये कुछ नया लेआउट आ रहा है कि थोड़ा सा यहाँ पे गैप क्रिएट किया जाता है ताकि पावर बटन अंदर रहे। एंड ये नार्जो 10 और नार्जो सीरीज में हमने देखा था रियलमी के, लेकिन वॉल्यूम बटन में ऐसा कोई डिज़ाइन नहीं दिया गया। क्या बटन्स बाहर आते हैं, काफ़ी प्रेशर लगाने के बाद भी बटन बाहर नहीं आ रहे हैं और सिमिलर कंस्ट्रक्शन है जैसा कि फ्रेम में है, सेम पावर बटन में है, ये भी बाहर नहीं आ रहे हैं। आपको याद होगा रेडमी और Xiaomi के फोन्स के बटन अक्सर बाहर आ जाते हैं, अभी भी आ रहे हैं, इनफैक्ट लेटेस्ट फोन में भी। चलिए कैमरा फ्रेम देखते हैं, ये 48 मेगापिक्सल का सेंसर है, ऑलवेज बाहर रहेगा और अगर आप फोन को ऑब्वियसली ऐसे ही रखेंगे तो ये पार्ट ऑलवेज स्क्रैच होता है। तो ग्लास कैसा है वो हम आगे चेक करते हैं। फिलहाल ग्लास में जो फ्रेम लगाया गया है वो प्लास्टिक का है, डेफिनेटली वही हम एक्सपेक्ट करेंगे, लेकिन अच्छी बात क्या है यहाँ पे कि कोई भी यहाँ पे सिल्वर कोटिंग नहीं की गई। जनरली आपने देखा होगा कुछ स्मार्टफोन्स में सिल्वर कोटिंग कर दी जाती है, तो जो सिल्वर समय के साथ हट जाती है वहाँ पे हम स्टेनलेस स्टील कोटिंग आप कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर ये स्क्रैचेस होते भी हैं तो कुछ पता नहीं चलेगा। फिंगरप्रिंट सेंसर कितना अच्छा है वो भी हम चेक करते हैं, क्योंकि ये पार्ट भी ऑलवेज ओपन रहता है। काफ़ी स्क्रैचेस मैंने यहाँ पे कर दिए हैं, अभी भी ये वर्क कर रहा है। थोड़ा सा और स्क्रैच बढ़ाते हैं और अभी भी वर्क कर रहा है, नया फिंगरप्रिंट भी आसानी से रजिस्टर हो जा रहा है। काफी स्क्रैच करने के बाद अभी भी देखिए दोनों ही फिंगरप्रिंट आसानी से अनलॉक हो जा रहे हैं। अभी देखिए लॉक है, ये अनलॉक हो गया।
जो ईयर पीस ग्रिल है ये भी ऑलवेज बाहर रहती है, तो क्या ये डैमेज होगी समय के साथ? हार्ड प्लास्टिक यूज किया गया है, तो अगर थोड़ी सी डैमेज हो भी जाती है तो भी कॉलिंग क्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फोन में जो भी ग्लास कंपोनेंट्स हैं वो कितने अच्छे हैं वो भी हम चेक करते हैं, जैसे कि डिस्प्ले या रियर कैमरा ग्लास। तो उसको टेस्ट करने के लिए मैंने मोस स्केल ऑफ इंडस्ट्रियल टूल यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे डिफरेंट सेट ऑफ स्केल्स लेवल होते हैं, जैसे आप स्ट्रेस लेवल चेक कर सकते हैं, जैसे कि प्लास्टिक लेवल 2 पे स्ट्रेच हो जाते हैं, मेटल्स लेवल 3 से स्क्रेच करना स्टार्ट हो जाते हैं, और ग्लास कंपोनेंट लेवल 4 से स्क्रेच होने लगते हैं। जैसे आप लेवल 5 पे आएंगे, यहाँ पे आप देखेंगे कोई भी स्क्रैचेस नहीं पड़ रहे हैं, यानी कि जो भी शार्प ऑब्जेक्ट आपके पॉकेट में हो सकते हैं, कीज एंड कॉइंस, उससे कोई स्क्रैचेस आपके फोन पे नहीं पड़ेगा। लेवल 6 पे आते हैं तो यहाँ पे आप थोड़े से माइनर हेयरलाइन स्क्रैचेस देंगे, तो काफी डीप फोर्स आप लगाएंगे किसी शार्प ऑब्जेक्ट से तो स्क्रैचेस पड़ जाएंगे। जैसे ही लेवल 7 पे आएंगे तो काफी डीपर स्क्रैचेस पड़ रहे हैं, यानी कि जो भी कंपोनेंट्स में लाइक डस्ट हो गए, सैंड हो गया या ग्रेनाइट मार्बल जो भी हो गया, उससे आपके फोन के स्क्रैचेस पे, डिस्प्ले पे और रियर कैमरे पे स्क्रैचेस पड़ सकते हैं। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपने फोन में कोई स्क्रीन प्रोटेक्टर या एक टेम्पर ग्लास जरूर यूज करें। नहीं यूज करेंगे तो कुछ ऐसे डीप से अगली से स्क्रैचेस आपके फोन में पड़ने लगेंगे। तो ये तो रही डिस्प्ले के बाद, अगर हम कैमरा ग्लास की बात करें तो यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो मैं लेवल 3 से स्टार्ट कर रहा हूँ, अब भी लेवल 3 से देन लेवल 4 पे जाते हैं तो भी यहाँ पे कोई स्क्रैचेस नहीं पड़ रहा है, यानी कंपैरिजन में ये कॉर्निंग के गोले ग्लास 3 से ज्यादा बेटर है क्योंकि वो लेवल 4 से स्क्रैच रहता है। लेवल 5 पे भी कोई स्क्रैचेस नहीं हो रहा है, यानी कि ये गोले ग्लास 5 के लेवल पे है। तो स्क्रैच के टर्म्स में ये ग्लास अच्छा है, इंडस्ट्री लेवल का यूज किया गया है, कोई भी स्क्रैचेस नहीं पड़ रहे हैं। लेवल 6 पे आप देखेंगे थोड़े से माइनर हेयरलाइन स्क्रैचेस पड़ रहे हैं जो कि परफेक्टली ओके है, लेकिन जैसे मैंने कहा डस्ट से आपके ग्लास पे काफी स्क्रैच पड़ सकता है। इस प्राइस रेंज में एक अच्छा खासा स्क्रैच प्रूफ फोन मिल रहा है, जनरली अंडर 10 के में गोले ग्लास 3 लेवल तक के फोन मिलते हैं जो कि लेवल 4 से स्क्रैच करना स्टार्ट होते हैं, लेकिन यहाँ पे लेवल 5 तक भी कोई स्क्रैच नहीं पड़ा है। अब गाइस चलिए हम डिस्टॉर्शन टेस्ट परफॉर्म करते हैं इन्फिनिक्स हॉट 9 पे और हॉट 9 प्रो, दोनों ही सेम है। आज तक इन्फिनिक्स का कोई भी फोन इस टेस्ट में फेल नहीं हुआ है। अब क्योंकि ये एक काफी बड़ा फोन है, पॉकेट में आप रखते हैं या बैकपैक में रखते हैं तो किसी भी रैंडम डायरेक्शन से ये हो सकता है, फोन बेंड हो सकता है, लेकिन यहाँ पे एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। फोन काफी सॉलिड बनाया गया है। अगर आपको याद होगा इन्फिनिक्स S5 Pro ऐसे ही एक टेस्ट में फेल हो गया था, स्पेशली बेंड टेस्ट में, वो हम आगे देखते हैं। स्क्रीन साइज से हम बेंड करते हैं फोन को, 3, 2, 1, फोन में फ्लेक्स तो आया था लेकिन कोई ज्यादा मेजर फ्लेक्स नहीं था, हल्का सा फ्लेक्स अगर आप देखेंगे बहुत ही माइनर है, जो कि ओके है क्योंकि काफी बड़ा फोन है एंड स्क्रीन भी अभी भी ओके है। एंड रियर डायरेक्शन से बेंड करते हैं, क्या इस वक्त डिस्प्ले में कोई प्रॉब्लम आती है? ओके, हियर वी गो, 3, 2, 1, बिट लाइक टैंक, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी भी काफी अच्छा है। ओवरऑल डिस्टॉर्शन और बेंड और स्क्रैच के टर्म्स में काफी ज्यादा क्वालिटी इंप्रूव हुई है। नाउ गाइस स्प्लैश टेस्ट परफॉर्म करते हैं इन दोनों फोन पे, हॉट 9 और हॉट 9 प्रो पे, एंड कंपनी ने एज सच कुछ कहा नहीं है कि फोन में कोई स्प्लैश रेजिस्टेंस है कि नहीं है। इवन तो हमने देखा था कि सिम ट्री में एक गैस्केट प्रोटेक्शन लगी है, तो क्या उस केस में कोई प्रॉब्लम आती नहीं आती है? तो पहली बार मैं आईफोन में टाइमर चला रहा हूँ, आपके सामने है, तो हम 3 मिनट का स्प्लैश टेस्ट करते हैं, यू नो इन केस आपका फोन पानी में गिर जाता है तो क्या होता है। वैसे आप ये चीज ट्राई मत करिएगा। 3 मिनट होने वाले हैं गाइस, और फोन को हम बाहर निकालते हैं, देन हम सभी चीजें वेरीफाई करते हैं, क्या फोन वर्किंग कंडीशन में है कि नहीं है। ओके गाइस फोन क्लीन हो गया है, चलिए दोनों चीजें वेरीफाई करते हैं। सबसे पहले देखिए फेस अनलॉक दोनों ही फोन में काम कर रहा है, यानी कि सेल्फी कैमरा ओके है एंड फिंगरप्रिंट सेंसर वर्किंग, ये भी वर्किंग है, यहाँ भी ठीक है, और वॉल्यूम डाउन, वॉल्यूम अप, वॉल्यूम डाउन, वॉल्यूम अप, ये भी ओके है, पावर बटन भी ठीक काम कर रहे हैं, नो इश्यूज, एंड अभी दोनों ही चीजें सॉर्ट ऑफ वर्किंग है। ऑलराइट, हॉट 9 प्रो ये रहा, और आज हमें इस फोन की यू नो एज ऑलवेज ड्यूरेबिलिटी ट्राई करनी है। हॉट 9 को अगर हम देखें क्या क्या है, सिंगल सिम आप लगा सकते हैं, गैस का प्रोटेक्शन लगेगा, यानी कि फोन आपका ऑफिशियली वाटरप्रूफ होना चाहिए।
हॉट 9 का हेडफोन जैक भी प्रॉपरली वर्क कर रहा है और हॉट 9 प्रो का भी वर्क कर रहा है। हॉट 9 प्रो चार्ज हो रहा है 96%। हॉट 9 ये भी चार्ज कर रहा है। फोन आपका सॉर्ट ऑफ स्प्लैश प्रूफ है, फिर भी आप इसको पानी से दूर रखिएगा। ओके गाइस, एट द लास्ट ड्रॉप टेस्ट परफॉर्म करना है इन्फिनिक्स हॉट 9 सीरीज का, तो मैं हॉट 9 प्रो पिक कर रहा हूँ। हॉट 9 नहीं, दोनों फोन का कंस्ट्रक्शन सिमिलर है, लेकिन एक डिफरेंस ये है कि यहाँ पे कैमरा हम थोड़ा सा बाहर है, तो क्या उससे कुछ फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता है। नाउ अब ये 6.6 इंचेस की डिस्प्ले है, फोन भारी भी है, डिस्प्ले बड़ा भी हो रहा है, तो चांसेस हो सकते हैं कि आपका फोन गिरने से डैमेज हो जाए, क्योंकि इन्फिनिक्स फोन मुझे जहां तक मुझे जब मैंने फर्स्ट टाइम यूज किया था काफी लाइट वेट थे, काफी मुझे बहुत अच्छे लगे, लेकिन अब डिजाइन ट्रेंड चेंज हो रहा है। ओके, तो मैं यूजुअल हाइट स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले वेस्ट हाइट से फोन को ड्रॉप करता हूँ बॉटम साइड। 3, 2, 1 बिग डिस्प्ले अच्छे तो होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम वही है कि गिरने से टूट सकते हैं। फिलहाल तो फर्स्ट ड्रॉप में ओके है, टॉप साइड से गिराते हैं। ओके, 3, 2, 1 नो प्रॉब्लम, अभी भी ठीक है। एक कॉर्नर इंपैक्ट इन केस, ओके अभी भी कोई दिक्कत नहीं है। नाउ रियर साइड से ट्राई करते हैं, यहाँ पे कैमरा अब हम ज्यादा बाहर निकला है कंपेयर टू इन्फिनिक्स हॉट 9 के। 3, 2, 1 एनईजी ग्लास अभी भी टफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। स्क्रीन साइड से 3, 2, 1 सो फॉर अभी भी होल्ड कर रहा है, नो इश्यूज। लेट्स सी हाइट इंक्रीज करते हैं, और अगर आप फोन से बात कर रहे हैं उस केस में राइट। अब मुझे नहीं पता कि ये एनजी ग्लास कितना ऑफिशियली कितने हाइट से टेस्ट होता है, लाइक कॉर्निंग 5 फीट की हाइट से टेस्ट होता है, तो हम उसको अगेन हेड हाइट से ड्रॉप करते हैं 5 से 6 फीट की हाइट से। 3, 2, 1 कॉर्नर इंपैक्ट था, लेकिन अभी भी ओके है क्योंकि ग्रेविटी है, थोड़ा सा फर्क पड़ता है। हम टॉप साइड से ड्रॉप करते हैं। 3, 2, 1 इस एरिया पे इंपैक्ट हो रहा है एंड कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी भी ओके है राइट। रियर साइड 3, 2, 1 सो फॉर सो गुड। नाउ एट द लास्ट मोमेंट ऑफ ट्रुथ, फिर भी एनर्जी ग्लास कितना टफ है अगर आप उसको 6 फीट हाइट से ड्रॉप करते हैं। 3, 2, 1 ओ माय गॉड ग्रेट। डिस्प्ले क्रैक तो नहीं हुआ, लेकिन कुछ इंटरनल आप देख सकते हैं प्रॉब्लम आ गई है। ये एक हल्की सी लाइन यहाँ पे आपको दिखाई पड़ेगी, यहाँ पे एक लाइन दिख रही होगी और कुछ यहाँ पे स्पॉट से पड़ रहे हैं, जैसे आप देखेंगे यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है। इस तरह की प्रॉब्लम जनरली बहुत मेजर तो नहीं होती है, रेडमी के फोन हमने देखे हैं, ये स्लोली स्लोली बढ़ते जाएंगे और 6 महीना साल भर में डिस्प्ले आपका ऐसा हो जाता है। क्रैक नहीं हुआ है तो हम इसको सॉर्ट ऑफ पास मानते हैं। सो एनजी ग्लास डेफिनेटली काफी अच्छा लग रहा है इन्फिनिक्स, अगर आप ये टेस्ट देख रहे हैं तो अपने पुराने ट्रेंड पे आ जाइए, काफी अच्छा लगेगा। यू नो लाइट वेट फोन और बहुत बड़ी बैटरी देने की जरूरत नहीं है, 4,500 mAh काफी होता है, लाइट वेट फोन सबको अच्छा लगता है यूज करना, कौन भारी फोन यूज करना चाहता है। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, उम्मीद करता हूं आपको टेस्ट अच्छा लगा होगा। हैव अ ग्रेट डे।